इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां परिवार के घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने धारदार चाकू से पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला किया, जिसमें बेटे की उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र की गणेश नगर गोमटगिरी का है। यहां रहने वाले अभिषेक नामक युवक अपने घर में खाना खा रहा था, उसी दौरान दो अज्ञात बदमाश घर में घुसे और धारदार हथियार से वार करने लगे। बीच बचाव करने आए पिता पर भी डंडे से हमला किया गया। घटना के बाद रहवासी घायलों को उपचार के लिए एमवाई अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान अभिषेक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संभवतः पुरानी रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। सर, एक युवक की धारदार चाकू से वार कर हत्या कर दी, किस तरह का मामला है और इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या कुछ सामने आया? गोवर्धन पैलेस में एक व्यक्ति अभिषेक, उम्र करीब 17-18 साल है, ये घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान में दो लोग अंदर आए हैं और इसके साथ डंडे और चाकू से हमला करके इसको घायल कर दिया। जिला अस्पताल में इसको इलाज के लिए भेजा गया, जहाँ से रेफर एमआईएस के लिए कर दिया गया। अभी सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ सर, बताया जा रहा है लाइट बंद करके मारा, कोई पुरानी रंजिश वगैरह पहचान थे? अभी ये सारी स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद इस संबंध में डिटेल में बताया जा सकता है। सर, ये इसका बैकग्राउंड आया, अभिषेक का क्या करता था, किस तरह से? अभिषेक का मुद्दा मजदूरी करता था और काफी गरीबी हालत में है ये पूरा परिवार। सर, किसी के नाम सामने आए या कितने लोग हैं, कुछ घटना की जानकारी? अभी ये सारी स्थिति क्लियर होने के बाद ही बताया जा सकता है। सर, इसके पिता से भी मारपीट की गई है, इस तरह भी पता चला? हाँ, घर में जो भी अन्य लोग मौजूद थे, तो पिता को भी एक डंडे की चोट लगी है और जो भी लोग मौजूद थे उनको हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन गंभीर रूप से इसी को अभिषेक को चोट आई थी, जिनकी अभी अस्पताल में सूचना मिली है कि जा सकती है।